और मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होगे। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंकुश वीडियो में। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को नेक्स्ट सीजन कॉन्करर रैंकुश कैसे करनी है, जो कि आप लोग इजीली बिना किसी लोड के कॉन्करर पहुंच जाए। लेकिन उससे पहले ये कुछ बेस्ट कमेंट्स अपनी पिछली वीडियो के। तो भाइयों, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप सभी का इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। अब सबसे पहले मैं उतर जाता हूँ सेल्टर के पास वाले इवेंट पे। अब भाइयों, यहाँ की फाइट देख लो सबसे पहले, उसके बाद बात करते हैं आगे। अब भाइयों, मैं यहाँ पर इजीली किल हो जाता हूँ। मैं नेट कैंसिल कर रहा था लेकिन नेट कैंसिल हुआ ही नहीं। अब भाइयों, नेक्स्ट सीजन आने वाला है 3 से 4 दिन में, लेकिन अभी का सीन ये चल रहा है कि भाई मेरी वीडियो तो वायरल नहीं हो रही, लेकिन भाई मुझे जरूर वायरल हो गया। अब भाइयों, मेरी तबीयत 15 अगस्त से खराब है, इस वजह से मैं 15 अगस्त को वीडियो भी नहीं डाल पाया था। अभी के टाइम पे भाइयों, ना मुझसे गेम खेला जा रहा है ना वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन भाई मैं वीडियो मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डेली बस एक ही गेम खेलता हूँ, और जैसा भी गेम निकलता है ना मैं उसी को एडिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन भाई दुआ करो बस कि तुम्हारा भाई जल्दी ठीक हो जाए और नेक्स्ट सीजन अपन बढ़िया से रैंक पुश स्टार्ट करते। और भाइयों, अब बात करें कि आप लोगों को नेक्स्ट सीजन कैसे खेलना चाहिए जो कि आप लोगों का इजिली कॉन्करर हो जाए। तो भाइयों देखो, सबसे पहले ना कॉन्करर कर रहा है तो भाई ऐसे लोड लेके नहीं करना है कि भाई पूरे पूरे दिन खेल रहे हैं तो आप लोगों को 3 दिन में कॉन्करर लगाना है। अगर भाई आप लोग कर सकते हो 3 दिन लगातार खेल के अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रख के, तो भाई आप लोग कर सकते हो। अब भाइयों, मैं तो ऐसे बिल्कुल भी कॉन्करर नहीं करता भाई, मैं डेली थोड़ा थोड़ा सा प्लस करके सीजन के एंड तक इजिली कॉन्करर करता हूँ। अब भाइयों, आप लोगों को भी बस ऐसे ही इजिली कॉन्करर करना है डेली का थोड़ा थोड़ा सा प्लस करके। बाकी भाई मैं आपको डेली वीडियोज में बता दिया करूंगा कि आपका आज का टारगेट कितना रहना चाहिए, ताकि भाई आप लोगों का भी इजिली कॉन्करर हो जाए। भाइयों, एक सीजन होता है 2 महीने का जिसमें आप लोग इजिली कॉन्करर कर सकते हो। अगर भाई आप डेली के 4 से 5 मैच भी खेलोगे ना सोलो में, तो भाई आप इजिली कॉन्करर कर लोगे, बस आपको हर मैच में प्लस निकालना पड़ेगा। बाकी भाइयों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी भाई नेक्स्ट सीजन आप लोगों को डेली बस वीडियो देखनी है, आप लोगों का इजिली कॉन्करर हो जाएगा। जैसे मैं खेलता हूँ वैसे ही आप लोगों को भी खेलना है, आपका इजिली कॉन्करर हो जाएगा। अब भाई हमें कॉन्करर करना है, लेकिन भाई बिना किसी लोड के, हमें लोड नहीं लेना बिल्कुल भी, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना, और भाई इजिली सीजन के एंड तक कॉन्करर लगाना है। अब भाई वो बात करें गेम की, तो भाई मैं सबसे पहले वाले इवेंट पे उतरा था जहाँ पे मैं इजिली किल हो गया था। भाई मैं आता हूँ दूसरे वाले इवेंट पे लूट करने के लिए, तभी यहाँ पे एक बॉट का साउंड आता है। अब भाइयों, इस सीजन बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि भाई अभी के टाइम पे सीजन का एंड चल रहा है तो भाई लॉबी भी अच्छी नहीं आ रही और मैं ज्यादा मैचेस खेल भी नहीं पा रहा। लेकिन भाई नेक्स्ट सीजन आपको एकदम बढ़िया कॉन्करर लॉबी के गेम प्ले देखने को मिलेंगे। भाई 2 से 3 दिन है बस, तो आप लोग प्लीज एडजस्ट कर लो। और जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तुम्हारा भाई 30 FPS पे खेलता है, अब भाई 30 FPS पे रिकॉर्डिंग करना और भाई गेम प्ले निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो भाई बस सपोर्ट करो अपने भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। अब भाई मैं आ गया था मिलिट्री वाले ब्रिज के साइड, जो ये शॉप होती है वहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करने, तभी यहाँ से एक रोटेशन जाती है। बस स्प्रे देखो, अब भाइयों मैं होलो कभी भी चलाता नहीं हुआ, अगर मेरे पास रेड डॉट होता तो शायद से थोड़ा और अच्छा स्प्रे मैं दे सकता था। अब भाइयों मैं इस बंदे पे डायरेक्ट रश कर देता हूँ, भाई इस बंदे से मेरी काफी देर फाइट चलती है, उसके बाद भाई ये बंदा यहाँ से भागने का ट्राई करता है, तो बस देखो। अब भाइयों होलो मेरे से बिल्कुल भी नहीं चल रहा था और भाई फोन भी बहुत हीट होने लग गया था, जिस वजह से भाइयों मेरे से स्प्रे थोड़ा बहुत सही नहीं जा रहा था। अब लेकिन भाई ये बंदा पता नहीं क्या ही करना चाहता था, और इस बंदे की भाई किस्मत देखना कितनी बढ़िया। अब भाइयों मानता हूँ मैंने यहाँ पे हक दिया, भाई बंदा बस 1 HP बचा होगा, मेरे हाथ में अगर नेट ना होता तो मैं इस बंदे को इजिली किल कर देता। अब भाई वो कोचिंग की स्क्वाड हाउस पे एक बंदा है, तो मैं इस वाले घर पे उतर जाता हूँ और भाई उसकी कार का टायर फोड़ने लग जाता हूँ भाई, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे पास ऑम है, मुझे पता है मेरे पास ऑम है, उस बंदे को थोड़ी पता है मेरे पास ऑम है, लेकिन अब उसे भी पता है मेरे पास ऑम है। अब भाई ये बंदा मेरे पे उड़ के रश करने वाला था, तो बस देखो इससे बंदे से फाइट। अब भाइयों मुझे पूरे मैच में एक रेड डॉट नहीं मिला और भाई फोन भी बहुत ज्यादा लैग करने लग गया था, भाई ये बंदा मुझे स्पॉट नहीं होता है। अब भाई ये बंदा मुझे थोड़ा सा डैमेज दे देता है। अब भाइयों ये बंदा दोबारा से उड़ के रश कर देता है, भाई इस बंदे से फाइट बहुत ज्यादा ही क्लोज थी, अब मैं इजिली फाइट निकाल सकता था, बस आप लोग फाइट देखो। अब भाई एंड में इस बंदे का एक हेड लग गया मुझे, अब मैं आपको डेथ रिप्ले भी दिखाऊंगा। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।